नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के रामपायली से। जिला बालाघाट के रामपायली में विजयादशमी के साथ नवरात्रि पर्व संपन्न। ऐतिहासिक धार्मिक नगरी रामपायली में विजयादशमी के साथ ही नवरात्रि पर्व भी संपन्न हो गया। रामपायली हाई स्कूल में विगत 20 वर्षों से मां भगवती की स्थापना की जा रही, जहां मां दुर्गा स्थापना के दिन से ही प्रतिदिन सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता रहा। वहीं दूसरी ओर बाजार चौक स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। जानकारी और सूत्र बताते हैं कि श्री राम मंदिर के सामने विगत 58 वर्षों से मां दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जा रही, जो एक आकर्षण का केंद्र है। वहीं दूसरी ओर विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत रावण दहन का भी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां स्वजाति बंधु और राजपूत समाज द्वारा चैन सिंह बैस के निवास स्थान में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत छात्राणियों ने शस्त्र पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एवं तत्पश्चात श्री राम मंदिर से राम जी की सेना के साथ दशहरा मैदान पहुँचे एवं रावण दहन किया। रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट।